हाय दोस्तों, आज मैं इस डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी। इसका मैंने कोई भी ड्राइंग नहीं बताया है। ये वीडियो के टू पार्ट्स हैं। पार्ट वन में इसको बनाऊंगी, पार्ट टू में मैं इसको बनाऊंगी। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैं मेरे पिन इंटरेस्ट अकाउंट पे इस डिज़ाइन को डाल दूंगी। आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग वहां से जा करके ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब बना करके दिखाती हूँ। इस डिज़ाइन को मैंने कुर्ती पे सेट किया हुआ है। ऑलरेडी मैं एक बना चुकी हूँ और दूसरे का ड्राइंग मैंने नीचे बना करके रखा हुआ है। चलिए अब इसको बना करके दिखाती हूँ। पहले जिगजैग करके सबको बना लेना है। थ्रेड को यहाँ पे लेके आना है, फिर इसको नीचे से लेना है, यहाँ पे आना है, ऊपर से लेना है, यहाँ पे आना है, नीचे से लेना है, यहाँ पे आना है। ये जिगजैग करके मैं यहाँ पे आती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बस इतना ध्यान देना है कि ऊपर का थ्रेड को मैंने ऊपर से रखा हुआ है और नीचे के थ्रेड को मैंने नीचे से डाला हुआ है। अब मैं यहाँ एंड पे आ गई हूँ। सेम ऊपर से लेना है ऊपर के थ्रेड को, फिर नीचे के थ्रेड को नीचे से लेना है, फिर यहाँ भी इसके नीचे ले करके एंड कर देना है। यहाँ इस थ्रेड के ऊपर से लेके यहाँ आना है। इस थ्रेड के नीचे लेना है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ भी इस थ्रेड के नीचे लेना है, यहाँ पे आना है। इस थ्रेड के नीचे लेना है, इस थ्रेड को छोड़ देना है, फिर इस थ्रेड के नीचे आना है, यहाँ पे आ जाना है। इस थ्रेड के नीचे लेना है, यहाँ पे आना है। इस डिजाइन को टच नहीं करना है क्योंकि इसको मैं दूसरे कलर से यूज करूंगी। यहाँ पे आ जाना है। ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे लेके यहाँ आ जाना है। इस थ्रेड के नीचे लेना है, इस थ्रेड को छोड़ देना है, यहाँ आ जाना है। इस थ्रेड के नीचे लेना है, यहाँ पे आना है। थ्रेड के नीचे लेना है, यहाँ पे आना है। इस थ्रेड के नीचे लेना है, इस थ्रेड को छोड़ देना है, फिर इस थ्रेड के नीचे लेना है, यहाँ पे आ जाना है। फिर यहाँ इस थ्रेड के नीचे लेना है, फिर इस डिजाइन को टच नहीं करना है, यहाँ आ जाना है। लेना है और इस थ्रेड के नीचे लेना है। जैसे इन दोनों में मैंने किया वैसे यहाँ पे भी करना है। इस थ्रेड के नीचे लेना है, इस थ्रेड को छोड़ देना, यहाँ आ जाना है। यहाँ इस थ्रेड के नीचे लेना है, यहाँ पे आ जाना है। इस थ्रेड के नीचे लेना है, यहाँ जाना है। इस थ्रेड के नीचे लेना है, इस थ्रेड को छोड़ देना, फिर इस थ्रेड के नीचे ले लेना है। इसी तरह कंटिन्यू करके यहाँ पे लेकर के आती हूँ, फिर एंड करके दिखाती हूँ। अब मैं एंड पे आ गई हूँ। फिर इस थ्रेड को नीचे से लेना है, यहाँ पे आ जाना है। इस थ्रेड को ऊपर से लेना है और यहाँ इस थ्रेड के नीचे लेकर के फिर यहाँ इस थ्रेड के भी ऊपर ही लेकर के एंड करना है। अब मैं इसका फीलिंग पार्ट बताऊंगी। यहाँ पे मैंने एंड किया था, बस यहीं से मैं फीलिंग शुरू कर रही हूँ। अभी नीचे का फील कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ इन तीनों को फिल किया वैसे ही फिल करते हुए चले जाना है। फिर ऊपर का कैसे फिलिंग करती हूँ वो दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ एंड पे आ गई हूँ। लोअर पार्ट फिलिंग किया,
मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। यहाँ से ही शुरू कर रही हूँ। जैसे इन दोनों को फील किया है वैसे ही सबको फील करते हुए चले जाना है। एंड में कैसे एंड करती हूँ वो दिखाती हूँ। फीलिंग के एंड पार्ट पे मैं आ गई हूँ। सेम जैसे इन दोनों को फील किया है ना वैसे ही इन सबको फील किया है मैंने। मैं ये बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे लेकर के आना है। ऊपर से लेना है यहाँ पे आना है। यहाँ भी ऊपर से लेना है यहाँ पे आना है। ऊपर से लेना है यहाँ पे आना है। ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे ले करके यहाँ पे आ जाना है। फिर ऊपर से लेना है यहाँ पे आना है। यहाँ भी ऊपर से लेना है। ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे ले करके यहाँ पे आ जाना है। यहाँ भी ऊपर से लेना है। यहाँ भी ऊपर से लेके यहाँ पे आना है। ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे ले करके इस थ्रेड को छोड़ देना है यहाँ आ जाना है।
ऊपर से लेना है और इस थ्रेड के नीचे लेकर के यहाँ पे आना है। अब इसको फिल कर लेना है। जैसे इसको बनाया है इन सब को भी वैसे ही बना लेना है।